करने की जरूरत नहीं है। हाथ को कर छोड़ दो कोई बात नहीं। हाय बोलो। हाय। छोड़ना नहीं 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 हाथ नहीं छोड़ना, क्योंकि अभी बस खराब हो चुकी है निकलते ही। आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत है और आज जो तैयारी है वो शिमला, ना तो मनाली ना तो स्पीति, बहुत अच्छे प्लेस पे। फटाफट पहले बस के पास चलते हैं, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत ज़बरदस्त ट्रिप होने वाली है, तो पूरी वीडियो आप देखना, सारी जानकारियां मिलेंगी एक से बढ़ के एक। लो जी, जब देरी होती है ना तो कुछ ऐसा ही सीन होता है, देख रहे हो। तो मेरी बात मानो भैया, जल्दी निकल लिया करो। नहीं तो मेरे साथ दो बार चांस ऐसा हो चुका है कि भाई फंस गए हैं चीज़ों में। फिलहाल आज चलते हैं बीर बिलिंग और वहाँ बहुत सारी एडवेंचर करना है। आपको ऑफबीट प्लेस दिखाने वाला हूँ कि भाई बीर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग के अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत अच्छा प्लेस है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है हर एक चीज़ की। तो ब्लॉग के साथ एक ट्रैवल ब्लॉग, इन्फॉर्मेशन, हर एक छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। अभी मैं पहुँच चुका हूँ, बहुत सारे यहाँ पे बसेस हैं। मैं आपको बस के अंदर का भी दिखाऊंगा जो मैंने बस कर रखी है। इसके अलावा मल्टीपल बसेस हैं, सारी अच्छी होती हैं, उसमें से कुछ अप क्लास की होती है, कुछ डाउन क्लास की होती है। तो जैसा मेरा एक्सपीरियंस होगा वो मैं शेयर करूंगा। फिलहाल बस का वेट कर रहा हूं। वैसे तो आपको पता है मछनू की टीले से सारी बसें चलती हिमाचल की, जितनी भी प्राइवेट बसें हैं। मेरी बस मैंने जिंक बस करा रखी थी, जिसका मैसेज पहुंचने के बाद आया कि आधे घंटे लेट है, लेकिन फाइनली वो एक घंटे बाद आई। लो जी, फाइनली फाइनली जी बस मिल गई है, आगे बैठ गया हूँ। बस थोड़ी सी लेट है, लेकिन आपने बस की भी हालत देख ली है, बस कैसी है। आगे रास्ते में आपसे मिलते हैं, बहुत सारी बातें आपसे होनी है। और उसके अलावा इंस्टाग्राम की आईडी जस्ट ऊपर आ रही है, उसे आप फॉलो कर लो, बहुत सारी अपडेट्स मिलेंगी। और इससे पहले भी रील्स और स्टोरी आएगी, तो सारी जानकारी मिलेगी और रास्ते का भी व्यू आपको मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे आगे। अच्छे, आप संजोगी कहोगे क्योंकि अभी बस खराब हो चुकी है निकलते ही दिल्ली से बाहर। अब देखते हैं कि सही ढंग से पहुंचा दे। बाकी मेरे हिसाब से कहीं भी आप जाओ, बस तो सारी बराबर होती हैं, चाहे कोई सी भी बस है। लेकिन कभी कभी कह सकते हो लक ख़राब होता है, तो कुछ ऐसे ही है। आई होप पहुंच जाए टाइमली और ढंग से पहुंच जाए, क्योंकि जहां जा रहे हैं बहुत ही एडवेंचर प्लेस है, आप लोगों को पता है। तो कहीं एडवेंचर यहीं पर ना फिनिश हो जाए। बस दिल्ली के जस्ट बाहर रोक दिया है यहाँ पर, कुछ उसके टायर में इशू आ गया है, तो वही मैकेनिक बुला के अभी जस्ट उसे रिपेयर करवा रहे हैं। उसे भी नहीं पता चल पा रहा है एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। बस थी ख़राब हो गई, भी क्या कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल पहुंच चुके हैं मिडवे पे, जहां पे अभी डिनर करना है। और ये कहीं करनाल के आसपास है शायद, नहीं पानीपत से पहले ही जगह है। तो अब थोड़ा डिनर करके उसके बाद फिर थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, लेट्स सी, देखते हैं। तो यात्रा की शुरुआत कुछ ऐसी रही, तो आप लोग भी तैयार हो जाओ, कभी ना कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, अप डाउन तो चलते रहते हैं। लेकिन हाँ, लेट तो मैं हो ही गया, थोड़ा सा आपका जो लो होता है ना कॉन्फिडेंस वो हो जाता है, बिकॉज आपकी उसी हिसाब से सारी प्लानिंग होती है। मॉर्निंग हो गई है, 9 बज चुके हैं और देख रहे हो बस अभी आके जस्ट खड़ी हुई है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो मतलब आप वही सोच सकते हो ना, जब बस बस ख़राब हो जाती है तो बहुत इशू हो जाता है। और ये जो रोड है ना, बहुत मतलब इतना आप कह सकते हो जैसे मनाली वाला रूट है या तो शिमला वाला, बहुत ही चलता फिरता रूट है ना, वैसा है नहीं। पतले पतले रास्ते हैं शहरों के बीच, कस्बों के बीच से ये गाड़ी आती है। तो फिलहाल अब देखते हैं, एक दो घंटे और लग जाएंगे। फिलहाल चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं और थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं। इसने 10 मिनट की धमकी दी है, अगर 10 मिनट में आ जाओ नहीं तो बस छूट जाएगी। लो जी, टी गार्डन आप देख लो, ये पालमपुर का टी गार्डन है, लोग देखने इसे भी आते हैं। और ये जबरदस्त व्यू के साथ नाइस, और पीछे धौलाधार के पहाड़। तो ये भी पता होना चाहिए कि जो दिल्ली से बीर बिलिंग तक बस जाती है वो डायरेक्ट जोगिंदर नगर तक जाती है, और आपको बीर स्टॉप पे उतार देगी। वहाँ से 300 रुपीज चार्जेस लेगी टैक्सी। तो आप जब भी कंफर्म करें टिकट, तो ये पूछ ले कि बीर बस स्टॉप तक जाएगी कि नहीं जाएगी। और दिल्ली से बीर बिलिंग तक का जो फेयर होता है वो 800 से स्टार्ट होकर 1500 तक जाता है, लेकिन मोस्टली 1000 में आपको टिकट अवेलेबल हो जाती है। तो भी फाइनली पहुंच चुका हूं मैं, ये है जोगिंदर नगर, सीधा स्टेट बस चली जाएगी। और बीर बिलिंग के लिए जो रास्ता वो सीधे कट होगा, तो बस मोस्टली बस यहीं उतार देती है। बाकी आपको यहां से टैक्सी करके जाना होता है, टैक्सी जो चार्ज करते हैं वो 300 से 400 500, वो आपके ऊपर है कि कैसे करते हैं।
बाकी मुझे एक भैया मिले, वो आई होप मुझे छोड़ देंगे। अभी तो बोल रहे थे कि मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन ये पीछे भैया मिल चुके हैं। डिसाइड किया आप मेरे साथ बोलो और मैं आपको वहाँ तक ड्रॉप कर दूंगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, साथ में वो लेते हैं अभी लेट सी। और भैया अभी दिल्ली से हैं और मैक्सिमम आपको पता है मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो भीड़ में रहते हैं वो लगभग दिल्ली से हैं, है ना भैया? मैक्सिमम लोग तो यहाँ पे आके लोग कुछ तो परमानेंट यहाँ पे आ चुके हैं। चलते हैं फिलहाल भीड़ की तरफ। यहाँ तक आए थे ड्रॉप करने, अब यहाँ से यू टर्न करके फिर ये वापस जाएंगे। उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैं आपको पूरा वहाँ तक ड्रॉप कर देता हूँ। तो अच्छे लोगों की कमी नहीं होती है, आप भी बाहर निकलोगे तो बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे जो कि आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। तो थोड़ा सा आपको बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मैं पहुंच चुका हूं अपने हॉस्टल पे। ये रहा मेरा हॉस्टल और फाइनली लेट हो रहा है तो पहले चलता हूं, जो काम है अब निपटाने सबसे पहले वो काम करता हूं। सो जी फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपने हॉस्टल में और यहाँ पर ये देख लो रिसेप्शन है, बाकी ये एरिया है। मैं आराम से तसल्ली से आपको दिखाऊंगा, फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं तो उसकी अपडेट है। चलता हूं अपने रूम में, रूम में थोड़ा सा काम है, काम निपटाने के बाद फिर आपसे मुलाकात करता हूं। लेकिन अब फिलहाल काम जरूरी है तो सबसे पहले काम करते हैं। आप इसे बैड लक कह सकते हो बिकॉज जो सेफ्ट था वो छुट्टी पे था, तो सिर्फ मैगी के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं बचा था। लंच किया, लंच के बाद ये तैयारी हो रही थी कि भाई आखिर करे क्या, तो बस किसी तरह तैयार हो गया पैराग्लाइडिंग के लिए। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखना पड़ेगा जो कि बहुत ज़बरदस्त है, कैसे मैंने पैराग्लाइडिंग की वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।